तुम्हारे किसे मत हमारी है कुर्बान दिलो जानम क्या शान है तुम्हारी है कुर्बान दिलो जानम क्या शान है तुम्हारी है पीरा द पीरे मैं की दसावा किन्ना अमीर है तू सरा तू अरशे उला तई ते तू सरा तो अरशे उला तई सारे तो मस्जिद में के बाहर मैंने देखा पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए। तो मैंने अमान ताजी से पूछा, अमान ताजी ये कौन लोग हैं, ये पुलिस वाले ये इंसान है या नहीं है? जिन्होंने फर्ज और रेंजर्स वालों को मैंने देखा कि वो अपनी फर्ज की अदायगी के लिए अपने घर वालों को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, उनको उनके साथ नमाज अदा नहीं करनी थी, उनको बोलिए ना, उनको उनके साथ नमाज अदा नहीं करनी, उनको ईद की खुशी अपने अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ नहीं पार्टिसिपेट करना था। मैं कहता हूँ आप लोगों को, अभी मैं आपको कहूँ कि यार तुम छोड़ो ये, और इतने पैसे लो फलानी जगह चले, तुमको अगर लाखों रुपये भी देंगे तो हम नहीं कर सकते। हम अपने घर वालों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने फला, लेकिन ये पुलिस वाले कैसे हैं जिन्होंने अपने सरकारों को, अपनी सरकार को मना नहीं कर पाए? बात को समझना, तवज्जो दीजिए, अपनी सरकार को वो मना नहीं कर पाए। अब दूसरी तरफ आ जाए कि क्यों नहीं मना कर पाए, कहना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है, जो हम सरकार को मना नहीं कर सकते, अपनी खुशियां कुर्बान करना ही फर्ज कहते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करने का नाम ही फर्ज है। वो कहें बच्चों का फर्ज हक नहीं है, माँ बाप का हक नहीं, कह रहे नहीं, पहले कौम का, पहले मुल्क का। मौला ने फरमाया जिस मुल्क से रहो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। तो मैं भी ये देखने लगा रस्ते में आते हुए कि चार पांच मैसेज आ गए मेरे पास कि सरदार मुझे तेज बुखार हो रहा है, मैं इसलिए नहीं आ सकता। कोई कहने लगा कि सरदार मेरे जो है, मैं तो अपने वालिद और भाइयों के साथ नमाज अदा करूंगा, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, मैं उनको मना नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं तो उधर उधर नमाज अदा करूंगा, मैं माफी चाहता हूं और मैं उनको मना नहीं कर सकता। क्या तो थे? तो ये रस्ते में आते आते ही ये बात बनी, जो मैंने कहा बयान भी तो होता है नमाज से पहले। मैं तीन दिन से सोच रहा था बयान क्या दिया जाएगा, नमाज से पहले बयान क्या दिया जाएगा, तो सरकार ने रस्ते में बयान बता दिया कि ये बयान देना है। यहाँ पर अवैध शब्बीर साहब बैठे हैं, इन आफान है, इनके बराबर में, इनके वालिद ने इनके घर के बराबर में औलिया मस्जिद बनाई, और इनके वालिद की खून पसीना, इनके बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है, और इनको ये भी मालूम है यहाँ पर चूना डिपो के लोग बैठे हैं कि वो तालिब को मस्जिद मिल नहीं रही थी, इन लोगों को मिल नहीं रही थी। जिस वक्त मैं उधर गया हूँ तो हनीफ तैयब से और उनके बड़ों से वो मस्जिद निकाल के ताज वाले के कर्म से उनके हाथ में दिए, उसके बाद बनना शुरू हुई है मस्जिद। जब मैं गया हूँ उसके बाद तक वो मस्जिद नहीं बन रही थी। शाह गुलाबुल कादरी क्या, अलाने क्या, फलाने क्या, दुनिया को उन्होंने अप्रोच कर ली, लेकिन वो मस्जिद नहीं मिल पा रही। तो बात ये कि बातचीत भी हो रही है, कुछ लोगों ने आना भी है रस्ते में, लेकिन आ ही रहे हैं, तो हमारे पास अभी टाइम है नमाज के लिए। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक वाकया हुआ कि जनाब एक दीवार पर निशान लगा, तो मुझे सरदार शहनशाह तकलीम का ये हुक्म था, हम खानका में रहते हैं, ये हमारा घर है। सरदार ताजुद्दीन बाबा ने फरमाया खानका ताजिया अमजदिया में हम रहते हैं, हमारी बैठक बनाओ हम आएंगे। तो बैठक बनाई गई, वो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी कि उस हुजरे मुबारक में आबान आ जाओ,
उस हुजरे मुबारक में सरकार ताजुर अली की छवि आ गई। उस छवि से मुराद कि यकीन दिलाया कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं होता हूँ, यही मकसद हुआ ना। अब इसी तरीके से जब यहाँ पर कोई किसी और चीज की बारी आई तोड़ने की किसी भी मामले की, तो इसका आईडी नंबर डाला 324। आईडी नंबर जो इंक्रूजमेंट की आईडी है, तुम लोगों को पता, तुम लोगों की घरों की कटिंग हुई है 324। तो मैंने कहा सरकार 324 नंबर की आईडी में देखूं तो सही। अस्कारे ताजुर औलिया में क्या लिखा है, जैसी भी खोली है किताब तो 324 नंबर पे सरकार की छवि लगी है, कुर्सी पर बैठे हैं। और वो कैसे बताएंगे कि हम होते हैं हम? तो यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि बड़े सरकार इलाज कर रहे हैं या मैं कोई बातें कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है। बात ये है कि साहेब दरबार की इजाजत के बगैर जब आप मक्के और मदीना नहीं जा सकते, तो अल्लाह वालों की इजाजत के बगैर उनके दर पर भी नहीं बैठ सकते और ना आ सकते। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ, अपने लोगों के साथ जाके वो कहें हम ईद बनाए। तो मुझे हैरत हो रही है उन लोगों पर जो सारा साल हम जिनके साथ अपनी जान, आपको पता है किसी पर दम करने के लिए अपना खून देना पड़ता है, अपना दम देना पड़ता है तब जाके दम होता है। ये शाह साहब की हिम्मत है, उनकी बड़ाई है कि वो बोलते नहीं है इस बात को, वो बताते नहीं है, वो जतलाते नहीं है इस चीजों को कि मैं अपना दम देता हूँ, अपनी औलाद का खून पसीना तुम लोगों को देता हूँ, पूरा साल तुम्हारे साथ, तुम्हारी टेक केयर, तुम्हारी बीवी से लड़ाई हो जाए तो बड़े शाह साहब दोस्ती करा रहे, तुम्हारे फलानों बच्चों में कोई मामला हो जाए तो शाह साहब दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी रोजी रोटी का कोई मसला हो जाए तो शाह साहब कर रहे हैं। तो शाह साहब थोड़ी, उनका तो हुक्म है सरकार का, वो वहां से मामला आ रहे हैं। तो मैं इस बात से कह रहा हूँ कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, पहले खेश फिर दरवेश, पहले खेश और फिर दरवेश, ये तरीका किसी भी तौर पे अच्छा नहीं है कि जिनके साथ आप सारा साल अपने भाई से और अपने वाले से लड़ाई करके बैठे हो। ये भी बड़े मजे की चीज है, सारा साल वो अपने भाई से और अपने दोस्तों से जिनके साथ वो कह रहे ईद की नमाज पढ़ूंगा, तो सारा साल तुम्हें अपने भाई और वाले याद नहीं आ रहे, तुम्हें आज से ईद के लिए तुम्हें याद आ रहे हैं। या तो बीमार ठीक होते हैं, किसी को बाइक पे बिठाते हैं, वो बाइक चलाता, बाइकिया वाले को बोलते वो तुम्हें छोड़ देते हैं यहाँ तक, गलत है सही है इमरान? तो शहनशाह हफ्ते अकलीम का बाप खुदा करके कह रहा हूँ, ये तो दरबार में नमाज का मामला है, ये सरकार की इजाजत से, सरकार के हुक्म से हो रहा है और यहाँ पर सरकार खुद बराजमान है, ये सफे खाली नहीं है, कोई भी कोई सब खाली नहीं है, कोई खला खाली नहीं होगी, कि सरकार ताजुर औलिया खुद बराजमान है। वो ऐसे अपने बच्चों को तरखाते नहीं। तो अपने बुजुर्गों की कदर करो, अपने सरकारों की कदर करो जो तुम्हारे साथ सारा साल, कयामत तक का तुम्हारा साथ है जिनका। ये इतनी दूर से आए हमारे हाफिज साहब तुम्हें नमाज अदा करवाने के लिए, तो ये तो कस्बा कानूनी से आए, तो क्या कोई औरंगी से नहीं आ सकता था या करीब से कोई नहीं आ सकता था? तो मुझे वो पुलिस वाले याद आए कि जो अपने सरकार को मना नहीं कर पाए, क्या बात है, सरकारी नौकरी मना नहीं कर पाए, तुम लोग अपने सरकारों को मना कर रहे हो। और सरकार भी कौन अहले बैत, जो तुम्हारी सरकार से भी ऊपर है, तुम्हारी पुलिस की सरकार से भी ऊपर है, उनको तुम मना कर। तो आज ईद का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, खुशियों भरा दिन है, तो मौका यही है कि हम आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और जहां रहें उस जगह से मुखलिसी, मोहब्बत, अकीदत, नियत साफ करके, वरना यकीन करो बड़े शाह साहब जितना भी फैज तुम्हें देना चाहें साहिब दरबार का नहीं दे पाएंगे। बेशक जब तक आपकी नियत साफ ना हो, पाक ना हो, आपकी लेने की नियत ना हो, तो कोई नहीं दे सकता फैज, कोई नहीं दे सकता। कहा कि मुर्शिद अगर देना भी चाहे फैज तब भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि मुरीद की नियत में खोट है, तो नियत साफ मंजिल आसान। तो सरकार शहनशाह हफ्ते अकलीम ने दिल आजारी मकुन का दर्ज दिया,
यहाँ पर तुम लोगों को प्यार मिलता है, कौन सा दरबार है जो तुम्हारी ससुराल वालों तक का ख्याल रखता है। अस्सलाम वालेकुम, बस में ताजियम जदिया, खानकाह ताजियम जदिया, सिलसिला ताजियम जदिया की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, thank you.
वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।